नमस्ते दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज हम बनाएंगे एक वीकेंड इजी लापसी, जिसे हमारे यहाँ प्रसाद में या फिर नाश्ते में बनाते हैं। तो ये हेल्दी भी है और जब आपका मीठा खाने का मन करे तो आप इसे ज़रूर बना सकते हैं। लापसी को हम प्रेशर कुकर में बनाने वाले हैं, जिससे बहुत ही जल्दी बन जाती है। लापसी बनाने के लिए 4 बड़े चम्मच घी डालेंगे कुकर में। घी पिघलने के बाद इसमें 2 बड़े चम्मच काजू लिए हैं मैंने, वो डालेंगे। तो काजू को हमें हल्का फ्राई करना है, जिससे इसका जो टेस्ट है ना बहुत ही अच्छा आता है। अब इसमें हम 1 बड़ा चम्मच किशमिश है वो भी ऐड करेंगे और इसे हल्का फ्राई कर लेते हैं। किशमिश फूल गए हैं तो फ्राई किए हुए काजू और किशमिश को हम किसी प्लेट में निकाल लेते हैं। अब घी में हम 1 कप दलिया डालेंगे, उसी के साथ 2 बड़े चम्मच मूंगफली है वो भी डालेंगे। हमारे घर में जब भी लापसी बनाते हैं ना, तो मूंगफली को ज़रूर ऐड करते हैं। कुछ लोग नारियल के पीसेस भी ऐड करते हैं इसमें, इससे ना लापसी बहुत ही मज़ेदार बनती है। दलिया को अच्छे से फ्राई करेंगे तो चूल्हे को हम धीमी आंच पर ही रखेंगे। गेहूं के छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़कर दलिया बनता है, तो इसमें ना प्रोटीन, आयरन और फाइबर्स पाए जाते हैं, तो इसे आप अपने डाइट में ज़रूर ऐड करिएगा। दलिया को हमने 3 से 4 मिनट तक फ्राई किया है। अब इसमें हम 2 कप गर्म पानी डालेंगे। थोड़ा थोड़ा करके पानी डालें, क्योंकि इसके जो छींटे हैं वो बाहर आते हैं, तो संभल के रहिएगा। उसी के साथ हम इसमें 3 साबुत हरी इलायची डालेंगे। चाहे तो आप इसमें इलायची पाउडर डाल सकते हैं। अच्छे से मिलाएंगे और कुकर का ढक्कन लगाकर 2 सीटी आने तक इसे हमें प्रेशर कुकर लेना है। 2 सीटी आने के बाद चूल्हे को बंद करें और कुकर को ऐसे ही रखें। थोड़ी देर के बाद ढक्कन को ओपन करेंगे। देखिए, दलिया अच्छे से सॉफ्ट हुआ है, आप देख सकते हैं। तो अब इसमें हम 3/4 कप गुड़ डालेंगे। चाहे तो आप इसमें चीनी का इस्तेमाल कर सकते हैं, बट गुड़ से बनी हुई लापसी बहुत ही हेल्दी रहती है गाइस। अच्छे से मिक्स करेंगे। गुड़ है वो धीरे धीरे पिघलने लगेगा। थोड़ी देर के बाद इसमें हम 2-3 बड़े चम्मच ताज़ी मलाई है वो डालेंगे। वैसे ये ऑप्शनल है, बट इससे स्वाद बहुत ही अच्छा आता है लापसी का। और फ्राई किए हुए काजू किशमिश है वो भी डालेंगे। थोड़े से हम बचा कर रखेंगे गार्निश करने के लिए। चम्मच से अच्छे से मिला लेते हैं सारी चीज़ों को। यहाँ पर हमने गुड़ का इस्तेमाल किया है, तो अगर आप इसमें दूध डालेंगे तो दूध फटने के चांसेस रहते हैं, तो इसीलिए मैंने इसमें मलाई डाली है। अब इसके ऊपर ढक्कन रखेंगे और कुछ 4 से 5 मिनट के लिए चूल्हे को धीमी आंच पर रखकर इसे हम पकने देंगे। अब चलिए चेक करते हैं। बहुत ही बढ़िया खुशबू आ रही है और देखिए, एकदम खिली खिली सी लापसी बनी है। तो सेहत से भरपूर लापसी हमारी तैयार है। इसे हम गर्म या फिर ठंडा करके भी सर्व कर सकते हैं। ऊपर से मैं कुछ फ्राई किए हुए काजू और किशमिश डाल रही हूँ, तो इसे आप प्रसाद में बनाइए या फिर नाश्ते के लिए बनाइए। तो दोस्तों, अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो सब्सक्राइब करें और जो बेल बटन है ना उसे ऑन करना मत भूलिएगा। तो फिर मिलते हैं और एक नई और हेल्दी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए घर का खाइएगा और अपना ख्याल रखें। बाय बाय।